आजकल बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्मों की भरमार है। दरअसल बीती 12 जनवरी को गुंटूर कारम, कैप्टन मिलर, हनुमान, मैरी क्रिसमस और ऐलान रिलीज हुई है, जबकि अगले दिन यानी 13 जनवरी को सैंधव और 14 जनवरी को नासामी रंगा रिलीज हुई, जिनकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी है। लेकिन इन सभी फिल्मों के आने से पहले यानी 11 जनवरी को फिल्म अब्राहम ओजुलर रिलीज हुई थी, जिसकी धूम हर तरफ मच रही है। केवल भारत में ही नहीं, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसी के चलते अब्राहम ओजुलर फिल्म ने 3 गुना ज्यादा कमाई कर ली है अपने बजट से। जी हाँ, एक बॉक्स ऑफिस ट्रैकर के रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम ओजुलर ने 6 दिन 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और अब्राहम ओजुलर का इंडिया में टोटल कलेक्शन हो गया है 12 करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन है 22 करोड़ 55 लाख रुपए। और जानते हैं इस फिल्म का बजट कितना है? सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ रुपए। और 6 करोड़ का कलेक्शन तो इस फिल्म ने पहले ही दिन कर लिया था। रिलीज के पहले दिन यानी 11 जनवरी को इस फिल्म ने इंडिया में 2 करोड़ 80 लाख की ओपनिंग ली थी और दूसरे दिन 2 करोड़ 15 लाख रुपए की ओपनिंग, जबकि तीसरे दिन 2 करोड़ 70 लाख और चौथे दिन 3 करोड़, जबकि पांचवे दिन इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस किया था। यानी बजट के हिसाब से इस फिल्म की कमाई देखें तो ये फिल्म किसी भी मामले में हनुमान से कम नहीं है। हनुमान के टोटल कलेक्शन की बात करें तो हनुमान अब तक इंडिया में 68 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड अब तक इस फिल्म ने 30 करोड़ रुपए के आसपास कारोबार किया है। यानी ये फिल्म 100 करोड़ रुपए का नंबर बहुत जल्दी शायद कल तक छू भी ले, जबकि हनुमान का टोटल बजट है लगभग 25 करोड़ रुपए। यानी हनुमान भी जबरदस्त कमाई कर रही है। बात अगर गुंटूर कारम की करें तो गुंटूर कारम अब तक लगभग 165 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि इस फिल्म का बजट 200 करोड़ के आसपास है। यानी इस फिल्म को अभी काफी रिकवरी करनी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जैसा परफॉर्म कर रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल्म बहुत जल्द अपना बजट रिकवर कर लेगी।